find the range of the function. Find the range of the function. क्या है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर, मान लेते हैं यहां पर 2x² + 3x² + 4। अब आपको इसकी रेंज आपसे पूछा गया है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। देन आंसर बताइए आप, 2 to 3 minutes का टाइम लीजिए आप लोग। देखते हैं कैसे करते हैं बेटा। पहले तो आप जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन को आप भूल जाइए। पहले आप ओनली और ओनली देखते हैं क्वाड्रेटिक को, ये 2 degree पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आपका दिया हुआ है, तो इसको पहले देखते हैं। 2x² + 3x + 4। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या बोला था बच्चों कल, कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट को 1 बनाते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए आप, x² + 3/2x + 2। अब बेटा आप देखो, कैपिटल ए इक्वल टू यहां पर क्या है, 1 है, 2ab = 3/2 है, देन b इक्वल टू कितना आ गया, 3/4 आ गया बच्चों, 3/4, तो b स्क्वायर कितना हो गया, 9/16, ठीक है, 16 सर, ओके। अब बेटा यहां पर 2x² + 3/2x + 9/16 - 9/16, भाई जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा फंक्शन में, ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे, ये चीज आपकी क्या लिखी हुई है, x + 3/4² माइनस आप यहां से कॉमन ले लो, माइनस जब आप यहां से कॉमन लोगे तो क्या आएगा अंदर, क्या बचेगा, 9/16 - 2। यहाँ पर बेटा 16 माइनस कॉमन ले लोगे, तो 16 माइनस कॉमन लिया, 16 LCM ले लोगे, तो क्या आएगा 9 माइनस यहाँ पर कितना जाएगा, 32, यही आएगा 32। क्या अब बच्चों इसके बाद क्या आएगा, 2 आपने कॉमन ले ही रखा, भी यहाँ पर क्या आएगा, x + 3/4² - 32 - 9 कितना होता बच्चों, 23, तो माइनस का 23 आएगा, देन आपको यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस का 23/16। अब भाई बेटा आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आएगा, 2x + 3/4² + 23/8। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बेटा ये जब चीज आ गई, तो आप पहले तो आप इस क्वाड्रेटिक की रेंज ने निकालना बता दिया था, ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 23/8, मिनिमम तो 23/8 आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, मैक्सिमम एक्स को इनफाइनाइट भी रख दोगे तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, इसकी जो रेंज आ गई कितनी आ गई बच्चों, इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या आ गई, 23/8 √। अब क्या है बेटा, इसमें रूट लगा हुआ है, तो आप रूट लगा दीजिए आप सिंपली, ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, √23/8 ∞, यही आपका बेटा आंसर। क्लियर है सारे बच्चों को,
यस सर क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। यस सर। अब बच्चों एक डोमेन निकालने का है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट ओवर पॉइंट टू की पावर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव माइनस का 125। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ, ठीक है मैं बेटा इसके ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। x बिलोंग्स टू फाइव ऑप्शन नंबर बी, x बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो ऑप्शन नंबर सी, x बिलोंग्स टू माइनस एट टू माइनस वन ऑप्शन नंबर डी, x बिलोंग्स टू माइनस टेन टू माइनस टू। ओके बच्चों यदि आपको ऐसा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, देखते हैं सारे बच्चे देखेंगे इसको। ठीक है बेटा, जब भी आपको दिया जाए तो आपको मैंने क्या बोला था डोमेन निकालने के लिए, यदि कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वो जो उसके अंदर की वैल्यू होती है वो होल वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। बट यहां पर आर इक्वल टू इसलिए ले लेंगे क्योंकि ये क्या है फंक्शन, जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए जो इसके अंदर की क्वांटिटी है 0.2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव माइनस 125 इज ग्रेटर देन जीरो, बस आपने सिंपली इतना लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे, अब बेटा 0.2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/5 लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। यस सर। 1/5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव माइनस 125 इज ग्रेटर देन जीरो, ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे 1/5 को यदि 5 ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो क्या जाएगा, 5 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। यहां से 5 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव माइनस 125 इज ग्रेटर देन जीरो, ये जो माइनस 125 है आरएचएस में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 125 हो जाएगा। तो 5 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन 125। बेटा 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। यस सर। तो यहां पर 5 की पावर 3 लिख लिया। अब बेटा आपको इनइक्वालिटी में एक रूल आपको पता होना चाहिए, इफ बेस आर सेम, यदि बेटा बेस क्या है सेम है, तो जैसे मान लो यहां पर a की पावर b इज ग्रेटर देन
सी की पावर, मान लो यहाँ पर ए की पावर ही सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, जो यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जैसे इनइक्वालिटी यहाँ पर लगी वही इनइक्वालिटी यहाँ पर लग जाएगी बी इज ग्रेटर देन सी में। ये तब होगा जब जो बेस है ये वन से बड़ा होगा, बेस जो होगा बेटा वन से बड़ा होगा, ये वन कर लो यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब बेस वन से बड़ा हो इनइक्वालिटी में, ठीक है, इक्वल नहीं है बेटा, यदि बेस इफ बेस आर जीरो टू, मतलब जैसे मान लो जीरो टू ए, ए क्या है जीरो और वन के बीच में है, तब क्या करेंगे आप, तो जो इनइक्वालिटी यहां पर ए की पावर बी इज ग्रेटर देन ए की पावर सी है, तो बी इज ग्रेटर देन सी कर दिया, तो इनइक्वालिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा बी इज लेस देन सी आ जाएगा। क्या क्लियर है बच्चों को, ये आप पॉइंट बना के नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जैसे मान लीजिए बेस इनइक्वालिटी में तो क्या करोगे, जैसे जो पावर है वो भी जैसे इनइक्वालिटी लगी हुई है वैसे सेम इनइक्वालिटी पावर की आ जाएगी, यदि बेस वन से बड़ा है, और यदि बेस वन से छोटा है बेटा तो क्या हो जाएगा, जो पावर है उसमें जो इनइक्वालिटी वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है सर, एक बार वापिस समझाओ सर क्या बोल रहे सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे माइनस फाइव आएगा, ऊपर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपने प्लस फाइव लिख सकते हैं, माइनस फाइव आएगा। हाँ वो तो ठीक है, मैं उसको कर देता हूँ अभी। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको फिर से लिख के समझा रहा हूँ कि आप इसको पॉइंट बना के लिख ही लो, ठीक है। इफ बेस आर सेम, यदि बेस सेम होगा, जैसे मान लो इनइक्वालिटी कितनी है ए की पावर बी इज ग्रेटर देन ए की पावर सी है, तो यहां पर एंड ए जो बेस है, या यहां पर बेस ही लिखो, ए ना लिखो, बेस इज ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा है और बेस सेम है, तो जैसे यहां पर ए की पावर बी इज ग्रेटर देन ए की पावर सी है तो यहां पर आप सिंपली लिख दोगे बी इज ग्रेटर देन सी लिख दोगे। बट सेकंड पॉइंट, इट इफ बेस आर सेम, बेस अभी भी सेम है एंड बेस इज लेस देन वन, जो बेटा बेस है वो लेस देन वन है, ठीक है बेटा, बेस तो यहां भी सेम है बट बेस जब लेस देन वन होगा, जैसे मान लो यहां पर ए की पावर बी इज ग्रेटर देन ए की पावर सी है, तो ये जो पावर है ना, जो जैसे इनइक्वालिटी यहां पर डायरेक्टली आ गई थी, जो इनइक्वालिटी यहां पर यही, बट यहां पर इनइक्वालिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, बी इज लेस देन सी। अब क्लियर हुआ बच्चों का, अब बेटा ये चीज आपको क्लियर है, तो यहाँ पर फाइव आपको दिख रहा है कि वन से बड़ा है, बेस इसका क्या है वन से बड़ा है, बोलो कविश। सर ये माइनस वन होता तो साइन उल्टी हो जाती, माइनस वन कहाँ से आ गया, ये सर फाइव की जगह माइनस वन होता तो सर रिवर्स हो जाती है, ऐसा बोल रहे हो आप। बेटा मैंने ये बोला है यहाँ पर बेस वन से छोटा है और जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा इसमें नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा, जीरो और से बड़ा एंड वन से छोटा बेस है, तब ये चीज होगी, यदि बेस वन से बड़ा है तो ये चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है ओके सर। अब बेटा देखो यहाँ पर फाइव क्या है, बेस क्या है वन से बड़ा है बेटा, तो वन से बड़ा बेस है तो इनइक्वालिटी जैसे यहाँ पर लगी वैसे ही पावर में इनइक्वालिटी लग जाएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन थ्री। अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस एट इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एट इज लेस देन जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पर क्या फैक्टर क्या आएंगे, इसका फैक्टर एक्स प्लस एट आ जाएगा एंड एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है इज लेस देन जीरो। अब आप क्या करोगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पे शो कर लोगे माइनस एट टू माइनस वन। अब यहाँ पर माइनस वन से बड़ा रखोगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब आपसे क्या पूछा गया, लेस देन जीरो पूछा गया तो निगेटिव वाला पोर्शन हमें चाहिए, ये वाला माइनस एट एक्स बिलोंग्स टू माइनस एट टू माइनस वन। क्या बेटा क्वेश्चन सबको क्लियर है, बोलो बच्चों। यस सर।
किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। बोलो, किसी को कोई भी डाउट हो इसमें पूछ सकता है आप। सर रेंज ऑफ द फंक्शन पूछे तो मतलब कॉमन पॉइंट लिखना होता है सर। अब बेटा देखो यहाँ पर लेस देन जीरो आ गया, तो हमें तो यही चीज चाहिए ना, जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी वही रेंज होगी इसकी। भाई रेंज नहीं, रेंज कहाँ, सॉरी डोमेन वही होगा। भाई डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की सारी वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो, तो फंक्शन तो केवल माइनस एट टू वन के माइनस वन के बीच में डिफाइंड होगा, तो वाइस फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो डोमेन हो जाएगा। ठीक है सर, ये वो मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा सर ये? बेटा क्लोज ब्रैकेट कहाँ आएगा, भूल जाते हो क्या कभी, रिवाइज कर लिया करो यार कभी कभी। यहाँ पर जब लेस देन आर इक्वल टू बोला जाएगा तब क्लोज ब्रैकेट आएगा ना, यहाँ पर आर इक्वल टू को साइन नहीं लगा यार, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा ना यहाँ पर। अब बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो हमने आपको क्या बता दिया, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज निकालना बता दिया, और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, और जो जहां पर x को g ऑफ y पे कन्वर्ट करता है तो उसकी भी रेंज बता दिया। देन अपन लोग आगे मूव करते हैं ग्राफ से। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है तो उससे रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन यूज ऑफ ग्राफ। ठीक है बेटा, यूज ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ। तो बेटा जैसे मान लो आपको कोई ग्राफ इस साइड का दिया हुआ है, पहले तो आप हमें ये बताओ, जैसे एक्स वाई कोई है प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया, एक्स एंड वाई। तो बेटा एक्स की जो सारी वैल्यू, जैसे यहां पर माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है ये आपकी डोमेन कहलाएंगी। ये चीज क्लियर है कि नहीं, बोलो बच्चों। क्लियर है सर, ये चीज आपकी डोमेन कहलाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, वाई की सारी वैल्यू जहां पर, वाई की क्या होगी, जितनी वैल्यू हमें मिलेगी, तो वाई जो एक्सेस में जितनी वैल्यू मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, रेंज। पहली चीज तो आप ये क्लियर करो। ठीक है, अब बेटा मान लो हमें कोई ग्राफ दे दिया गया। ठीक है, ग्राफ देख के हमें बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो भाई हमने यहां पर कोई ग्राफ बना लिया, इस टाइप का ग्राफ है, इसकी रेंज बतानी है हमें। ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पर जीरो, ये मिनिमम जो पॉइंट है इसका जीरो है। ठीक है, जीरो पर हमें जीरो पे हिट कर रहा है, एंड ये इनफाइनाइट मैक्सिमम। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का है, इसकी रेंज क्या आएगी, बोलो बच्चों। जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। जितना ग्राफ आप वाई एक्सेस में ट्रेवल करेगा उतनी ही रेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो ग्राफ है आपका, ये देखो इतना से यहां तक इनफाइनाइट तक जा रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों। जीरो से इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी रेंज क्या होगी, जीरो पे क्लोज्ड ब्रैकेट एंड इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इनफाइनाइट में ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। यदि जैसे मान लो आपसे यहां पर बोल दिया गया कुछ इस टाइप का ग्राफ, बोल दिया गया y एक्सेस, x एक्सेस, यहाँ पर माइनस थ्री कॉमा जीरो आ गया, क्या आएगा, यहाँ माइनस थ्री नहीं, जीरो कॉमा माइनस थ्री आ गया, इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस थ्री टू, माइनस थ्री टू इनफाइनाइट रेंज आएगी, माइनस थ्री टू इनफाइनाइट, माइनस थ्री टू इनफाइनाइट। क्या बच्चों ग्राफ देख के आप लोग रेंज बता सकते हो अब, बोलो बच्चों। या कभी कभी ऐसा ग्राफ दिया हो, यहाँ पर मान लो टू कॉमा क्या है, जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू है यहाँ पर, क्या आएगा, टू टू इनफाइनाइट, टू टू इनफाइनाइट, यहाँ पर रेंज क्या आएगी, टू टू इनफाइनाइट।
ठीक है बच्चों। सर ये सेंटर पॉइंट नहीं आ सकता कहीं पे भी, मतलब टू थ्री ऐसा नहीं आ सकता सर? बेटा इधर उधर भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन आप पैसा दे दिया तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसको देख लोगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या इनफाइनाइट लग जाएगी। यहाँ पर मान लो माइनस टू कॉमा क्या जीरो बोला गया तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगी। इधर उधर भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर बच्चों? आप इतना नोट करिए, देना आगे देखते हैं। बेटा अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन को आपको पहली चीज तो ये देखना चाहिए मॉडुलस फंक्शन डिनोट कैसे होता है, मतलब जैसे मॉड ऑफ एक्स, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, यही मॉडुलस फंक्शन होता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ टू, मॉड ऑफ थ्री। तो बेटा ये आपका मॉडुलस फंक्शन का नोटेशन है, मतलब टू पैरेलल लाइंस के अंदर कोई वैल्यू रख दो तो वो मॉडुलस फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बेटा देखो आप ये, ठीक है भाई, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन वर्क कैसे करता है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स कब कब देगा बेटा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ ओपन हो जाएगा, इफ एक्स इज लेस देन जीरो तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स के साथ ओपन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बोलो। अब बेटा यदि आपको ये चीज क्लियर है, बट आपको ये चीज जरूर देखो कैसे, जैसे आपसे बोला जाए मॉड ऑफ टू, मॉड ऑफ टू की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। अब आपसे बोल दिया अगर मॉड ऑफ माइनस टू, इसकी वैल्यू कितनी आती है, टू। टू आएगी, कैसे टू आएगी ये बताइए आप हमें। तो बेटा आप क्या करोगे, जो देखो माइनस टू तो आप इसको एक्स मान लोगे थोड़ी देर के लिए, माइनस टू को तो क्या बोला मैंने, माइनस यदि लेस देन जीरो है, मतलब लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है, तो क्या आएगा माइनस ऑफ माइनस टू, इसलिए इसकी वैल्यू भी टू आती है। क्लियर है, बोलो बच्चों। यस सर, सारे बच्चों को क्लियर है, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स जैसे ही एक्स ने मॉड ने देखा, पूरी बात समझ लो बेटा, जैसे ही मॉड ने देखा कि एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर निगेटिव नंबर है, तो वैसे ही वो निगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा मोड। तो यहाँ पर क्या किया, इसको हमने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया माइनस टू को, अब आप क्या किए मोड ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टू, तो फाइनली कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, अब बोलो बेटा। सर वापिस एक्सप्लेन करो बेटा, जो मॉडुलस फंक्शन है इसको नोटेशन पहले देखो, दो पैरेलल लाइन या दो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी एक्स वाई, जैसे मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ टू, मॉड ऑफ थ्री, मॉड ऑफ जेड, कैसे भी, ठीक है, ऐसे मॉड एक्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन ऐसे ही होता है। ये एक आपका मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉडुलस फंक्शन एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ ओपन हो जाएगा। इफ एक्स इज लेस देन जीरो है देन मॉडुलस जो फंक्शन है वो माइनस एक्स के साथ ओपन। ठीक है, अब देख लेते, जैसे मॉड ऑफ टू की वैल्यू भी टू आती है और मॉड ऑफ माइनस टू की वैल्यू भी टू आती है, बट कैसे टू आती है, तो देखो यहाँ पर एक्स क्या है लेस देन जीरो है तो मॉड किसके साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुल जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस टू इक्वल टू कितना आ गया, टू। क्लियर बच्चों, बोलो। अब देखते हैं क्लियर, अब इसको देखते हैं ग्राफ एंड डोमेन और रेंज, इस फंक्शन के ग्राफ और डोमेन रेंज के बारे में भी देखते हैं।
बेटा कैसे करेंगे हम, जैसे ही आपसे बोला जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो पहले सिंपली हम क्या बनाएंगे, y इक्वल टू x का ग्राफ डालेंगे, ठीक है। y इक्वल टू x का ग्राफ हमने बना लिया, y इक्वल टू x का ग्राफ बच्चे बच्चों को आता है, कैसे बनेगा, 45 डिग्री पे बनेगा और 0.0 से पास होगा। अब बेटा जब आपका ये ग्राफ y इक्वल टू x आ गया, अब हमें सर ने पूछा क्या है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बताना है। तो बेटा वार्ड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x का जैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, जैसे ही जो निगेटिव पोर्शन है इस ग्राफ में बच्चों, जो निगेटिव पोर्शन है ये वाला, यहां पर देखो y निगेटिव है ना, जो निगेटिव पोर्शन है ये बेटा क्या करेगा, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस को मिरर इमेज मान के जस्ट ऐसे, ठीक है। तो ये आपको क्या बन गया, मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया। क्या करना है सर, फिर से एक बार रिपीट के दे रहा हूं, यदि हमसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ पूछा जाए तो y इक्वल टू पहले x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देन मॉड लगा देंगे, तो मॉड लगाने से निगेटिव जो है, देखो यहां पर x भी निगेटिव और y भी निगेटिव आ रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि y इक्वल टू x में यदि x निगेटिव रखोगे तो y निगेटिव आएगा, बट मॉड ऑफ x के कंडीशन में क्या होती है, यदि x निगेटिव भी होगा फिर भी y पॉजिटिव रहता है, इसलिए हमने देखो बेटा ये जो यहाँ पर x क्या है, इस लाइन पे निगेटिव है बट y क्या है, इसमें पॉजिटिव दिखा दिया। सारे बच्चों को क्लियर है, बोलो बच्चों। नहीं सर, ये मोड वाला खाली ग्राफ समझा दो ना सर एक बार। ये सर ग्राफ समझ नहीं आ रहा है, कैसे बने। ठीक है बेटा, देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ x इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। स्टेप वन क्या करेंगे आप, y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ये आपका हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ, ठीक है। अब बेटा y इक्वल टू x का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, अब y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, मॉड ऑफ x का मतलब यहां पर देखो, यहां पर यदि ये x रखोगे आप, निगेटिव x रखोगे तो y भी निगेटिव है, देखो यदि यहां पर माइनस वन रखोगे तो y कितना आएगा, माइनस वन आएगा, यहां पर देखो माइनस टू रखोगे तो y कितना आएगा, माइनस टू आएगा, तो ऐसे चल रहा है ये। बट हमें मॉड में क्या होता है, मॉड के अंदर माइनस वन रखोगे तो क्या आएगा, प्लस वन आएगा, मॉड के अंदर माइनस टू रखोगे प्लस टू आएगा, मॉड के अंदर माइनस थ्री रखोगे कितना आएगा, प्लस थ्री आएगा, तो क्या करोगे बच्चों, तो ये देखो अब यहाँ पर तो यार ऐसा नहीं हो सकता, बट माइनस वन रखने पर प्लस वन, यदि आप इसको एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के कुछ ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दो, मतलब यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस माइनस वन तो वाई कितना दे रहा है, वन देने लगा, अब यहाँ पर एक्स माइनस टू रखो तो वाई कितना दे रहा है, टू दे रहा है, ठीक है। देन आप ऐसे जस्ट एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के इसको मिरर मान लो, जैसे लाइन यहाँ पर ड्रॉ उसी लाइन को आप यहाँ पर ड्रॉ, क्लियर बच्चों। ओके सर, यही आपका मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। आपको पॉजिटिव पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, अब जैसे ये वाला पोर्शन है इसको हमें टच ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर आप एक्स पॉजिटिव रखोगे तो वाई भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आप एक्स निगेटिव हो या पॉजिटिव हो वाई ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए मॉड में, ये मॉड फंक्शन की खास बात होती है, कैलवे का बता रखा है, ठीक है। मॉड ऑफ माइनस टेन कितना आएगा बच्चों, टेन आ जाएगा, इसीलिए इसमें आप मॉड ऑफ टेन भी टेन ही आता है, इसलिए हमने ग्राफ को कुछ ऐसे प्लॉट, नोट कर लो बच्चों। अब आप ये बताइए इसकी डोमेन कितनी आएगी, डोमेन तो बेटा आल रियल नंबर आ जाएगी, एक्स की सारी वैल्यू जीरो से माइनस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या ऑल रियल नंबर। अब इसकी रेंज कितनी आएगी, रेंज आएगी बेटा देखो मिनिमम जीरो टू इनफाइनाइट, सर डोमेन कैसे इनफाइनाइट, डोमेन वाला समझो बेटा, डोमेन मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर क्या होता है, डोमेन मैंने इस फंक्शन में बताया है, डोमेन एक्स की एक्स में जितनी वैल्यू फंक्शन ले रहा है, अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन तो एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है ना, देखो ये आप इनफाइनाइट इधर जाएगा एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है ना ये देखो, इसलिए इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल या माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। ओके सर, इतना नोट करो आप लोग।
हो गया सर। अब बच्चों जब आपको ये चीज आ गई तो अपन क्या करते हैं, वन या टू क्वेश्चन करते हैं। वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री आप ड्रॉप ड्रॉ कर लिए एंड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ टू एक्स प्लस थ्री के ग्राफ प्लॉट प्लॉट करिए बच्चों, ग्राफ बनाने आप। सर ये नहीं आता है सर। क्या नहीं आता है? अब बेटा यदि मॉडुलस फंक्शन में ऐसा आ गया तो हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बना लिया। अब इसमें क्या करोगे, पहली चीज पहला स्टेप स्टेप नंबर वन एस वन क्या करोगे आप, y इक्वल टू सिंपली x माइनस थ्री का ग्राफ प्लॉट कर लोगे। अब बेटा y इक्वल टू x माइनस थ्री का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू जीरो ले लो देन y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री आ गई। बेटा आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन मतलब ये x और y में एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है तो उसके ग्राफ एक लाइन ड्रॉ होगी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और लाइन प्लॉट करने के लिए कोई भी दो पॉइंट यदि हमें पता चल गए, मिनिमम दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, लाइन प्लॉट हो जाती है आपको। ये बात क्लियर है क्या बच्चों, बोलो। यस यदि आपको दो पॉइंट पता चल गए तो हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में। तो बेटा यहाँ पर y इक्वल टू y के चाहिए हमें, तो x इक्वल टू जीरो पर y माइनस थ्री आ गया। और एक बार क्या करोगे, y जीरो कर दोगे, y जैसे ही जीरो करोगे x कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो यहाँ कितने पॉइंट आ गए, थ्री कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा माइनस थ्री, आप दो पॉइंट निकाल लिए। देन आप क्या करोगे, एक्स वाई का ग्राफ प्लॉट करोगे। फिर जब ये चीज प्लॉट कर लिया देन आप क्या करोगे, पहले y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ प्लॉट करोगे। अब बेटा देखो यहाँ पर दो पॉइंट मार्क कर लो, थ्री कॉमा जीरो, थ्री कॉमा जीरो कहीं यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। थ्री कॉमा जीरो कहीं यहाँ पर आएगा और जीरो कॉमा माइनस थ्री कहीं यहाँ पर आएगा, बोलो बच्चों। भाई x इक्वल टू जीरो वाली यही लाइन होती और माइनस थ्री ये आ गया। तो बेटा अब इसको आप ड्रॉ कर दो, मैं क्या क्या इसको प्लॉट करते हैं। ये लाइन आ गई y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री की लाइन आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने क्या बोला, जब जैसे इसमें मॉड लगाएंगे, हमने स्टेप टू में y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री जैसे ही मॉड लगाया तो जो भी निगेटिव वाला पोर्शन है, जो भी निगेटिव वाला पोर्शन है तो क्या हो जाएगा वो बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है, ये जितना निगेटिव पोर्शन आ रहा है ये एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के रिवर्स हो जाएगा। देखो यहां पर क्या ग्राफ कहां पर कट कर रहा था, जीरो कॉमा माइनस थ्री पे कट कर रहा था, तो यहां पर कहां कट करने लगेगा, जीरो कॉमा प्लस थ्री पे कट करेगा, ठीक है बच्चों। ठीक, ये जीरो कॉमा माइनस थ्री आ गया, ये ग्राफ कुछ आपका इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये आपका ग्राफ आ गया वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। क्लियर बच्चों? यस सर। हमें दो ही वैल्यू लेनी है सर। बेटा लाइन प्लॉट करने के लिए केवल और केवल हमें दो पॉइंट पता चल जाए तो हम लाइन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप जितना निगेटिव में पोर्शन आ जाए उसको क्या करोगे, आप एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के आप रिवर्स करोगे। क्लियर है बच्चों? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पोर्शन सर इसकी डोमेन क्या आएगी? अब इसकी डोमेन देख लो, डोमेन तो बेटा ऑल रियल नंबर आएगी, देखो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक पूरे में ग्राफ जा रहा है, डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर आएगी। डोमेन इक्वल टू आर रेंज कितनी आएगी, थ्री टू इनफाइनिटी, जीरो टू इनफाइनिटी, बेटा थ्री नहीं जीरो आएगी, देखो ना वाई एक्सेस में देखते हैं ये यहाँ पर जीरो टू, ठीक है जीरो आएगी। अब बेटा नेक्स्ट वाला आप प्लॉट करो, अब इसको क्या करोगे, स्टेप वन क्या करोगे, वाई इक्वल टू वाई टू एक्स प्लस थ्री, पहले आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। अब इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, तो हमें एक बार x जीरो करोगे तो y थ्री आ गया, एक बार y जीरो करोगे x आ गया माइनस थ्री बाई टू आ गया, ठीक है। अब आप इन दोनों पॉइंट को
एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर लोगे। देखते हैं एक्स जीरो वाई थ्री, एक्स जीरो वाई थ्री कहा यहां पर कहीं आए ना, जीरो कॉमा थ्री, एक्स माइनस थ्री बाई टू मतलब माइनस थ्री बाई टू कहीं यहां पर आएगा कॉमा जीरो। अब बेटा क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वाला पोर्शन यहां पर ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव पोर्शन है। अब इसको क्या करोगे, एक्स एक्सिस से मेरा इमेज मान के इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, एक्स एक्सिस को मेरा इमेज मान के आप इसको आप रिवर्स कर दो, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, क्लियर है। अब इसकी क्या आएगी, डोमेन क्या आएगी बोलो बच्चों, डोमेन आएगा रियल नंबर, और रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर रेंज जीरो टू इनफिनिटी, जीरो टू इनफिनिटी, ठीक है। सर रेंज जीरो छह से कैसे आएगी सर, थ्री से नहीं आएगी यार, रेंज में कितनी बार बताया, वाई में जहां पर मिनिमम पॉइंट देखो आपका मिनिमम पॉइंट ये आ रहा है, यहां से आप लेके चलते जाओ इनफाइनाइट तक तो क्या आ गया, जीरो मिनिमम है और मैक्सिमम पॉइंट क्या इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट रेंज आ गई। एक्स जो डोमेन होती है वो एक्स में ग्राफ कहां मूव कर रहा है, एक्स में देखो ग्राफ पूरे एक्स पे मूव कर सकता है ग्राफ, देखो आप इसको प्लॉट कर दो पूरे एक्स पे मूव कर, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट करिए, अब आगे देखते हैं। अब देख आप बैठे देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी पे और अच्छा क्वेश्चन किया जाए। अब आपसे बोला गया वाई इक्वल टू टू मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाए इससे ड्रॉ द ग्राफ, बेटा ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, चलिए ये जैसे ही आपको मॉड हटा के पहले सिंपली स्टेप वन में क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है ना बच्चों, बोलो यस सर, इसका ग्राफ प्लॉट करना यदि आपको आता है तो आप इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, सर वही पॉइंट्स निकाल लेंगे, पॉइंट निकाल लोगे। अब आप देखो यदि इसका यदि इसमें मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो प्रॉपर्टी भी यूज करके देख लेते हैं, यहां पर क्या आएगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा देन वाई कितना होगा, मतलब ये कितना देगा, टू एक्स प्लस थ्री देगा, इफ एक्स इज लेस देन जीरो तो क्या जाएगा माइनस टू एक्स प्लस आएगा, क्या बोलो बच्चों, एक्स किसके साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री आएगा, क्या क्लियर है बच्चों बोलो, माइनस टू साइन के साथ कैसे ओपन यार, मैंने अभी बोला नहीं मॉड ऑफ एक्स में जब एक्स लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, ये माइनस एक्स के साथ ओपन होता है, मैंने बताया नहीं क्या ऊपर, तो वैसे यहाँ पर पर सर इसमें कहा लेस देन जीरो, ऐसी साइन कहा है सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना कि इसको आप ऐसे आप ओपन कर सकते हैं, आप ऐसे इस ग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं, इस फंक्शन को आप मॉडुलस फंक्शन को ऐसे ही ब्रेक किया जाता है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए देख लो, एक्स इज लेस देन लेस देन जीरो के लिए देख लो। अब आपने ये चीज देख लिया, अब आगे क्या करोगे आप, आपको इसका और अजी तरीका बनाकर बताता हूं ग्राफ प्लॉट करने, जब भी आपको कुछ ग्राफ दिखे इस तरह ग्राफ जब भी दिखने लगे तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू टू मॉड ऑफ x प्लस थ्री, थ्री को आप LHS में ले जाइए तो y माइनस थ्री इक्वल टू टू मॉड ऑफ एक्स, ये चीज आ गई, ठीक है। अब बेटा जब ये चीज आ गई तो आप क्या करो, पहले आप सिंपली मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लो आप इस, ठीक है, सिंपली मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ओके बच्चों।
सिंपली मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लोगे। अब मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, उसमें टू का मल्टीप्लाई थ्री का मल्टीप्लाई ये मैटर नहीं करता है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना क्योंकि हमें आता है, आपने ऐसे इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया, जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन कभी दिखे आपने प्लॉट कर लिया। अब बेटा यहां पर देखो, यदि y में प्लस a है, यहां पर y पे प्लस a है, तो ग्राफ देन ग्राफ प्लस a डिस्टेंस, या a डिस्टेंस भी बोल सकते हो, प्लस a डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लोअर पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? मैं इसको बिल्कुल हिंदी में लिख दे रहा हूं, इधर जो माइनस है ना सर, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी सर ये माइनस थ्री पे चला जाएगा। बट यदि वाई माइनस ए टाइप का हो देन ग्राफ और ए डिस्टेंस अपर शिफ्ट कहां पर शिफ्ट होगा, इन डायरेक्शन ऑफ y, या y लाइन पे शिफ्ट होगा, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ y। ये सारी चीजें बहुत इजी करके मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इससे इजी कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो बेटा आप क्या करोगे, यहां पर क्या है y माइनस थ्री, मतलब y माइनस ए टाइप का है, तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर शिफ्ट होगा प्लस ए डिस्टेंस, मतलब ए डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी, थ्री है, तो ये क्या करेगा, ये जीरो पे यहाँ पर, तो वन टू थ्री, थ्री पे ग्राफ, ये जस्ट जैसे ग्राफ यहाँ पर वैसे ग्राफ थ्री पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे, एक्स माइनस एक्स सर, पर ये तो माइनस है तो नीचे नहीं जाएगा बेटा। यार देखो ना क्या मैंने बोला, यदि y माइनस ए टाइप का है तो ए ग्राफ ए डिस्टेंस अपर शिफ्ट हो रहा है, और ग्राफ यदि y प्लस ए टाइप का है तो ग्राफ क्या है, ए डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये भी तो देखो मैं लिख देता हूँ यार, फिर भी आप लोगों को पता नहीं क्या पूछ ले सकते हो, जो मैं लिखता हूँ उसको ध्यान से देखा करो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं ना, अब बेटा देखो यहां पर आपको क्या बोला गया, वाई प्लस ए, जैसे आपको इस टाइप का ग्राफ दिखे तो प्लस ए डिस्टेंस या ए डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां से नीचे ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि माइनस ए टाइप को वाई माइनस ए टाइप का दिखेगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस अपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ऊपर ए डिस्टेंस, मतलब यहां पर थ्री पे शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का, यहां पर कितना आ जाएगा, थ्री कॉमा जीरो प्लस। बोलो अब कोई डाउट है, बोलो कभी अब पूछो, आप कोई डाउट हो तो। सर पर इधर तो माइनस थ्री है तो सर नीचे क्यों नहीं जा रहा है ग्राफ? यार ये मैंने क्या लिख दिया, प्लस ए टाइप का है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, और माइनस ए टाइप का है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट, ठीक। और सर टू मॉड्यूलस एक्स उसका क्या होगा, वो ये ग्राफ आपका ये बन तो गया, मैंने मॉड्यूलस एक्स या टू मॉड्यूलस एक्स का पहले ग्राफ बना लिया, इसमें आप टू थ्री मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्राफ क्योंकि हम पेपर में नहीं ड्रॉ कर रहे, ग्राफ पेपर में नहीं ड्रॉ कर रहे, यहाँ पर केवल हमें आइडिया मिल रहा है कि ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू सर, हाँ सर आपने जो प्लॉट किया है वो टू मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ है। हाँ टू मॉड्यूलस एक्स का ही ग्राफ है, ये हंड्रेड मॉड्यूलस एक्स का भी होगा तो फिर भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं करना, हमें केवल ग्राफ को ओवरव्यू लेना होता है, ग्राफ का आइडिया चले कि हमें ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। ये जो इसका स्लोप है ये थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा, आपको पता होगा y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन से, यहाँ पर जैसे m चेंज करते जाओ वैसे केवल स्लोप ऊपर नीचे होगा बस, और ग्राफ चेंज नहीं होगा, ठीक है, नोट करो आप। अब आप एक ग्राफ बताओगे, ये सारे बच्चे ड्रा करोगे, y इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू, आप यहां करो माइनस टेन, सर मॉड्यूलस ना हो तो मैं मॉड्यूलस लगाना होता है सर? नहीं मॉड्यूलस मैं दे रहा हूँ, मैंने ठीक y equal to 5 मॉड्यूलस x माइनस 10 का ग्राफ आपको प्लॉट करिए।
सर डन। जल्दीबाजी नहीं, पहले करो आप। सारे बच्चे जब हो जाएगा तभी मैं आगे मूव करूंगा। मन पटेल हो गया बेटा। नो सर। हाँ तो प्लॉट करिए आप। रोनित हुआ बेटा। रूसी पटेल समझ में आ रहा है बेटा? सर पहले आप कैसे क्या करोगे? y प्लस 10 इक्वल टू 5 मॉड ऑफ x। आप थोड़ी देर के लिए पहले मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ प्लॉट कर लोगे। अब मॉडुलस ऑफ x का जब आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया देन आप उसमें क्या करोगे? अब यहां पर क्या है y प्लस a टाइप का। y प्लस a टाइप का मतलब ए डिस्टेंस ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ शिफ्टिंग कैसे होगा? ई डिस्टेंस मान लो नीचे हमने ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, मतलब यहां पर मान लो 10 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया, तो ग्राफ कुछ आपको कैसे बनेगा? क्या कुछ इस टाइप का बन जाएगा? बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। सर सर हाँ बेटा हो गया सबका? तरी नेगेटिव हो जाएगा ना। आप देखो ना, आप यहाँ पर क्या है, अब ये देखो इसके, अब इसकी रेंज क्या होगी? -10.0। तो इसकी रेंज क्या आएगी बोलो बच्चों? डोमेन क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर। बेटा अब आपको मॉडुलस फंक्शन आपको कभी भी दिया जाएगा तो अब तो कोई डाउट नहीं आएगा आपको। बोलो सर, ये ग्राफ सर। हाँ बोलो कभी सर। ये तो माइनस इन्फिनिटी कब आएगा रेंज में? जब ऊपर की साइड होगा तब ग्राफ जब आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर मान लो ए 0.a है तो इसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट तो ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम ही चलती है ना रेंज। क्या होता है? मिनिमम वैल्यू एम से मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब क्लियर है कभी? हाँ सर। और मॉड्यूलस ऑफ एक्स का तो यही है ना सर? हाँ ये तो ड्रॉ किया। और सर ये बाजू में फाई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती सर? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, बताया ना मैंने वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है। केवल क्या स्लोप थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ पेपर में नहीं बेटा प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, मतलब एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जब हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तब हम देखेंगे पाइप की वैल्यू। ठीक है। हाँ सर। अब देखो, अब कभी कभी आपको दो दो मॉड्यूल आ जाते हैं, मतलब दो दो मॉड्यूलस फंक्शन आ जाते हैं। ये भी देख लो, ये 12th का पार्ट है, मैं थोड़ा सा भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, ये चीज है। ये दो दो मॉड्यूल, मतलब वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। यदि कभी आपसे ऐसे दे दिया जाए तब आप क्या करोगे? अब देखो बेटा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए तो आपको केस, अब इसमें पहली चीज तो आपको x प्लस वन और x प्लस टू, अब यहां पर इसको ये देखने, इसके क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां पर ये फंक्शन जीरो हो रहा है। तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो कर दोगे तो x इक्वल टू माइनस वन, और x प्लस टू इक्वल टू जीरो करोगे तो x इक्वल टू माइनस टू आगे, ठीक है। स्टेप ऐसे करोगे आप, ठीक है, ये चीज कर दिया, फिर आप क्या करोगे? अब बेटा इसमें केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट आपको क्या होगा, x इज लेस देन माइनस वन, जब x, भाई देखो यहाँ पर y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसको जब ओपन करते थे कैसे करते थे, x इज ग्रेटर देन जीरो हो जाना चाहिए, x इज लेस देन जीरो के लिए करते थे कि नहीं। अब यहाँ पर x प्लस वन है मॉड के अंदर, x जब लेस देन वन होगा तब देखेंगे ग्राफ कैसा आएगा। और केस सेकेंड, इफ x इज ग्रेटर देन माइनस वन, ग्रेटर देन माइनस वन बट टू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? और केस थर्ड क्या आएगा, जब x क्या हो, माइनस टू से भी बड़ा हो, माइनस टू से बड़ा, ठीक है। तीन केस इसमें बनेंगे, यदि आपको यहां पर दो एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू है तो थ्री केसेस बनेंगे, कभी कभी प्लस थ्री और करके, ट्वेल्थ में देंगे, अभी तो आपको नहीं आएगा, आपके एनसीईआरटी में और मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने एक बता दिया आपको, ठीक है, ताकि कभी ट्वेल्थ में समझाया जाए तो आपको लगे कि हाँ कभी सर ने बताया था ये चीजें। मैं स्पेशली बोले तरह ये इलेवंथ का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसमें आप क्या करोगे, आप जब जैसे ही लेस देन माइनस वन करोगे तो यहां पर मॉड कैसे खुलेगा आप बताइए, वाई इक्वल टू बोलो बेटा माइनस वन से छोटा, मॉड क्या खुलेगा, माइनस के साथ आ जाएगा ना, बोलो बच्चों, और ये भी माइनस के साथ ही खुल जाए, ये एक्स प्लस टू किसके साथ खुलेगा बोलो बच्चों। यहां पर यदि आपको यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यदि आपको लग रहा है नहीं सर हमें और थोड़ा सा इजी करके बताओ, तो यहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट कर लो और आपका इजी हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा मैं इसको इजी करूं, तो मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें शायद आपको बेटर समझ में। यहां पर आप x माइनस वन कर लीजिए, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो करोगे आप तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू वन आ जाएगा, और x इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा माइनस। अब कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो बेटा माइनस टू, पहले माइनस टू पे देखेंगे, माइनस टू पे x इज लेस देन माइनस टू, अब यहाँ पर माइनस टू से x बड़ा और वन से छोटा, और x जब वन से बड़ा, अब आपको और ज्यादा समझ में आएगा क्या चीजें कैसे चलेगी। बेटा x इज लेस देन टू, जब जैसे ही टू से छोटा रखोगे तो ये नंबर क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों। यहाँ पर माइनस थ्री रखो तो अंदर के क्वांटिटी क्या आ जाएगी, निगेटिव, निगेटिव आएगी तो मॉड कैसे चलेगा, माइनस का x प्लस टू। अब यहां पर माइनस टू रखोगे, माइनस टू से छोटा, माइनस थ्री, माइनस वन कितना, माइनस फोर, मतलब ये भी माइनस के साथ आ रहा है। क्या इतना क्लियर है कि नहीं, बोलिए। नहीं सर, वापस सुनो बेटा, यहां पर आपको बोला गया वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस, यहां पर एक एक्स्ट्रा मॉड कैसे लग गया, प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन आया तो पहले आप क्या करोगे, जो मॉड के अंदर दिया हुआ है इनको आप इक्वल टू जीरो कर लोगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप जीरो के इक्वल टू करोगे तो एक्स यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट टाइप के निकाल लोगे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर और एक्स इक्वल टू माइनस टू पर, फंक्शन जीरो पर, ठीक है, मतलब ये वाला माइनस टू पे जीरो हो रहा है, ये वाला वन पे जीरो। अब बेटा क्या करोगे, जितने पॉइंट आए हैं अब एक बार उससे छोटे पे, एक बार उससे बड़े पे, और दूसरे वाले पॉइंट उससे छोटे पे, उसके बड़े पे, तो वैसे यहाँ पर कर लिया, x is less than minus 2, अब यहाँ से x क्या है, minus 2 से और 1 के बीच में देख लेंगे,
अब यहाँ पर x 1 से बड़े पे देखेंगे, ठीक है, जैसे अपन लोग इनइक्वालिटी में करते थे वैसी चीजें यहाँ पर करते, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो, जैसे ही x इज लेस देन माइनस टू हमने किया, तो x इज लेस देन माइनस टू का मतलब ये भी निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, तो आपको क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस x प्लस वन, ठीक है। तो अब बेटा इसको सॉल्व कर लो आप, y इक्वल टू माइनस x प्लस वन माइनस x माइनस टू। बेटा केसेस देखो आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे, जैसे मान लो मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x का केसेस कैसे बनाते थे, x ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि x का इसके फैक्टर करो तो x प्लस जीरो को लिखा हुआ मॉड, तो x इक्वल टू जीरो तो आएगा, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, मॉड x के साथ खुलेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पे, x इज लेस देन जीरो पे मॉड किसके किसके किस किस साथ खुलेगा, माइनस x के साथ खुलेगा, तो वैसे यहाँ हमने कर दिया, ठीक है। ओके अब बेटा यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, कर लो आप इसको, तो क्या आएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। अब ऐसे यहां पर करो y इक्वल टू माइनस टू से बड़ा, माइनस टू से बड़ा, माइनस टू से बड़ा आप इसमें रखोगे तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्या, बोलो बच्चों, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, हाँ सर बड़ा रखेंगे, पॉजिटिव रहेगा सर, माइनस टू से बड़ा मतलब इसमें आप क्या रखोगे, माइनस वन रखो, तो माइनस वन रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा ना, माइनस वन, हाँ सर हाँ बराबर, माइनस टू से बड़ा रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, और वन से छोटा, इसको देखो वन से छोटे रखने पर क्या आएगा, ये तो निगेटिव साइन के साथ ही आएगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, आप देख लो आप इसको, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू, तो कितना आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, y equal to finally यहाँ पर कितना है बेटा, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो x is greater than 1, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ये भी positive, ये भी positive रहेगा, तो positive sign के साथ खुल जाएगा, positive के साथ खुलेगा सर, x minus 1 plus x plus 2, y equal to कितना हो गया 2x minus 1 या 2x plus 1 आएगा, ठीक है। अब देखो अब आपकी ये सारी चीजें तो निकल गया, आपको ग्राफ किसका किसका प्लॉट करना है, y equal to इसका ग्राफ एंड इसका ग्राफ एंड इसका ग्राफ, इसको अब देखते प्लॉटिंग, हमने एक्स वाई बना लिया, क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहां पर पहले तो हम 2x प्लस 1 वाला देखेंगे, 2x प्लस 1 की लाइन कैसे बनेगी, देखो यहां पर आप क्या पॉइंट भी थोड़े से प्लॉट कर लो, 0 1 2 3 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहाँ पर कैसे आएगा, वन टू ऐसे आएगा ना बच्चों। अब देखो y इक्वल टू थ्री वाली लाइन, पहले y इक्वल टू थ्री वाली लाइन बनाते हैं, तो y इक्वल टू थ्री वाली लाइन तो आपको सारे ऐसे ही बन जाएगी, यही बनेगी क्या, बोलो बच्चों, यस सर, ठीक है ऐसे बनेगी। अब क्या करते हैं y इक्वल टू थ्री का, तो y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन वाली ये कैसे लाइन बनेगा, यहाँ पर क्या है x इक्वल टू जीरो रखो तो y कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, वन, तो जीरो कामा वन, जीरो कामा वन, एक्स जीरो वाई वन यहाँ पर, और अब यहाँ पर x जीरो रखो सॉरी y जीरो रखोगे तो x कितना आएगा यहाँ से, माइनस वन माइनस वन बाई टू, मतलब y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो यहीं पर आएगा क्या, बोलो, यस, तो कुछ जो लाइन आपकी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ प्लॉट ऐसे होगा क्या, बोलो, कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये वाली लाइन किसकी हो गई, y इक्वल टू एक्स प्लस वन की हो गई। अब क्या करते हैं, ये लाइन y इक्वल टू एक्स थ्री की है, अब y इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन की लाइन प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू जीरो पे y कितना आ रहा है, माइनस वन माइनस वन, और y इक्वल टू जीरो पे x कितना आ रहा है, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो जी एक्स जीरो वाई माइनस वन, एक्स जीरो वाई माइनस वन यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है भाई, थोड़ा मैं कलर चेंज की दे रहा हूँ, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्स जीरो और वाई माइनस वन आ गया, अब वाई जीरो और एक्स वन बाई टू, वाई जीरो और एक्स वन बाई टू यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आएगा क्या, बोलो, यस सर, क्लियर है,
मुझे तो लग रहा है x यहां पर माइनस 1 बाय 2 आएगा, x माइनस 1 बाय 2 आएगा, देख लो आप एक बार। हाँ सर माइनस है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं देखा ये बात? सर मैं माइनस बोलता हूँ उसके पहले आपने तो लिख दिया। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी क्या? बोलो बच्चों, बोलो ऐसे ड्रा होगी ना? बोलो, आप जब ये दो पॉइंट मार्क कर लोगे तो आप स्केल रख के इन दोनों पॉइंटों को लिखा के आप लाइन ड्रॉ कर लिया करो कॉपी में, तो आपको बेहतरीन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, स्केल रख के हम ड्रॉ कर सके। yes. तो देन आपको समझना होगा ये चीजें। हाँ बट इसमें लाइन की है, लाइन जैसे मैं मान लो इसको रख करता हूँ, पहले क्या ड्रॉ हो रहा है क्या? थोड़ा सा मैं भी आर्ट देखता हूँ, होता है क्या? सर हो तो जाएगी ड्रॉ। हाँ हो जाएगी, हाँ हो रही है, तो मतलब ऐसे में कर सकता हूँ ना। ऐसे चलो ठीक है, आप देख लो ऐसे ही हो। ठीक है, अब बच्चों यहां पर करना क्या है, ये चीज तो आपको आ गई। अब क्या करना है, अब देखो यहां पर y इक्वल टू 3, इसके जो देखो अब जो आपका ग्राफ फाइनली ग्राफ क्या आएगा, फाइनली ग्राफ आपका जो आएगा ये वाला, ट्रायंगल, ये आपका आ गया फाइनली ग्राफ ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ आपका, ये सब रिजेक्ट हो गया, ये सब हट गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसका डोमेन और रेंज वही होगा। अब इसका डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हो। डोमेन तो आपका देखो बेटा पूरा आएगा, देखो यहाँ दिख रहा है, रेंज क्या आएगा 3 टू इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है ना? 3 टू इनफाइनाइट, यस सर। क्या समझ में आया क्या बच्चों को? यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, आप नोट करो इसको। सर बोलो बेटा। सर इसमें केस वन है तो उसमें मतलब छोटा जो डिजिट है उसको ग्रेटर देन डेक्स लेने का है ना, ऐसा ना सर? और केस थ्री में बड़ा डिजिट को स्मॉलर लेने का। यस, अब देखते हैं सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वलिटी। आपके आरडी शर्मा बुक में दिया होगा मॉडुलस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व। ठीक है बेटा, आप लोग रिमूव मत होइए, आपको शायद पता होगा आपकी क्लास 4:30 तक होती है। यस सर। अब देखते हैं, अब बेटा मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व होती है। सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वलिटी, ठीक है, मॉडुलस इक्वलिटी, इक्वलिटी लिखती हुई, ठीक है, ऐसे सॉल्व होती। देखते बहुत छोटे एग्जांपल से अपन लोग देखते हैं। पहले आप देखें एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7, ये एक इनइक्वलिटी आपको दिया है, अब आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू सॉल्व फॉर एक्स के लिए, तो पहले क्या करोगे, जैसे बेटा वो कुछ इस तरफ का दिखे तो आप क्या करोगे, बोलो बच्चों, केस बनाएंगे, केस बनाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार आप ऐसा भी करोगे, उससे भी करोगे, बट आप देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का डायरेक्ट तरीका देखो। ठीक है, यदि ऐसा कुछ आ जाए क्या, आप देखो जैसे आप तो आ गया मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 7, एक बार आप क्या करो एक्स प्लस 3 इक्वल टू +7 ले लो, और एक बार आप क्या करो एक्स प्लस 3 इक्वल टू -7 ले लो, बस सॉल्व करो एक्स इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू माइनस बस एक्स की वैल्यू है। कैसे होता है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू
टू दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू टू, तो ये जब मॉड हटेगा तो माइनस टू टू एक्स ऐसे लगे, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू यदि टू दिया हुआ है तो माइनस टू और टू के बीच का सारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो सर इसमें क्या आएगा, फोर से टेन ऐसा माइनस टेन? नहीं नहीं, अब इसमें डायरेक्टली एक्स की वैल्यू केवल फोर और माइनस टेन आ गई, सॉल्व फॉर एक्स पूछा है ना मैंने। हाँ सर, तो फिर ये ऐसा नहीं लिखने का हमें, नहीं इसको नहीं लिखने का बेटा, ऐसा नहीं लिखने का, हमने ये बोला है कि जैसे मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है तो वो इक्वल टू टू दिया हो तो माइनस टू से टू के बीच, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू फाइव, अब इसको क्या करोगे बोलो बच्चों। पहले चीज मॉड के अंदर वाले को तो ऐसे लिखा रहे ना, तो पहले वाले मॉड को पहले देखेंगे, ये वाले मॉड को, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू फाइव, एक बार क्या करोगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर, बिल्कुल इजी तरीके में बता रहा हूँ, इक्वल टू माइनस फाइव, एक बार प्लस फाइव एक बार माइनस फाइव इक्वल कर लोगे। फिर क्या करोगे बच्चों, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू नाइन, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस वन। अब क्या करोगे आप, माइनस वन एक बार एक साइड वन एक साइड बेटा। देखो मॉड के अंदर जो भी मॉड दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, दो तीन मॉड दे दे हमें कोई टेंशन नहीं, पहले बाहर वाले मॉड को देखेंगे, अंदर वाले को एक्स मान लो। आप क्या करोगे, एक बार एक्स इक्वल टू प्लस फाइव एक बार एक्स इक्वल टू माइनस फाइव लिख लोगे। अब बेटा यहाँ पर आप मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन आ गया तो फिर क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू नाइन एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस नाइन। यहां से क्या करोगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो बच्चों, ये क्या होगा क्या, ये तो होएगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी मॉडुलस क्या, जैसे मॉड के अंदर माइनस टू है तो क्या माइनस टू आता है क्या, नहीं भाई, मॉड हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है भाई, मॉड तो हमेशा जो जो भी मॉड लगा हुआ है तो इसके बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो ये तो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू सर ये वाला क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा सर? यार देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस वन लिखा हुआ है, क्या मॉड के बाहर कभी माइनस वन आता है क्या, बोलो बोलो बच्चों, मॉड तो मॉड लगाने का, मॉड लगाने का मतलब ही है कि क्वांटिटी को पॉजिटिव करना, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस वन, भाई मॉड के इक्वल टू माइनस कोई भी क्वांटिटी रख दोगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मॉड तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है, बोलो रोनित। अब ये चीज आपको क्लियर हुई, तो यहाँ पर x इक्वल टू एट आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का टेन आ गया, यही आपकी दो वैल्यू, समझ में आया क्या, बोलो बच्चों सर। हाँ बोलो सर, ये x माइनस टू मतलब ये फॉर्म है तो ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इसको मतलब नहीं समझे, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं पहले आप बताइए तो बेटा। ये 8 को ये माइनस टू